It's superb. मैं हूँ सुपर इंडियन और आप देख रहे हैं मेरी चैनल। तो हम बहुत टाइम से कुछ अच्छे एडिटेड वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। आई नो टाइम की बहुत कमी है हमें। हमारे पास कैप्टन टी जैसे अच्छे एडिटेड वीडियोस बनाने का टाइम नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप गन कॉम्बिनेशंस प्लस टॉप कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस के बारे में, ताकि आप और अच्छा गेम प्ले कर सकें। और हाँ, हम गन में स्किन की भी बात कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो आज सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट लेट वी तो पहले हमें बात करनी चाहिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो कैरेक्टर्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जैसे जिससे मूवमेंट स्पीड बढ़। अगर आप ड्रैग शॉट करते हैं या वन टैप करना चाहते हैं या फिर अच्छे से रश करना चाहते हैं, प्लीज़ कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस को प्लीज़ जल्दी अच्छे से सीरियसली लेना। तो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है आलोक के साथ और दूसरा है विदाउट आलोक। तो पहला है आलोक में, आलोक के साथ आप यूज़ करिए जोसेफ। उससे स्पीड कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन तब जब आपको डैमेज पड़े। अगर आपको और स्पीड चाहिए नॉर्मली भागने में, रस करने में, तो फिर आपको केली की एबिलिटी यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि क्या पता आपको रन करते करते ही गोलियां पड़े, आप फास्ट तो रन करो लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या, क्योंकि आपको डैमेज तो पड़ता ही रहेगा, आपको जल्दी ग्लू लगानी पड़ेगी। और फिर केली काम आती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप वो मारे या ना मारे आपकी स्पीड इंक्रीज रहेगी। तो आलोक और केली, आलोक से भी स्पीड बढ़ती है तो केली और केली से भी, तो इतनी स्पीड आपके लिए इनफ होगी। अब अगला कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो हर एक यूट्यूबर कहेगा, उसका रीज़न यही है, दूसरे प्लेयर का दिमाग पढ़ो। मोको, मोको क्या करती है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर नहीं है, पर अब आजकल जो भी मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए वीडियोस देखते हैं, उनको हर एक वीडियो में मोको तो मिल ही जाएगी। उससे आप क्या होता है कि जैसे ही आप किसी पर फायर करते हो तो उसके ऊपर एक एरो बन जाता है जो आपको उसकी करंट लोकेशन बताता रहता है, जिससे आप बता सकते हो कि वो इस साइड से रस करेगा या इस साइड से, या फिर वो इस साइड कवर लेने जाएगा या इस साइड से। आप उसका दिमाग पढ़ सकते हो और आप उससे पहले ही राइट डिसीजन लेके आप उसे ख़त्म कर पाओगे, इससे पहले कि वो समझे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, देखो अब दो स्किल स्लॉट भर गई है। आखिरी स्किल स्लॉट में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऑप्शंस हैं, जैसे कि वुल्फ्रा है, अगर आप क्ला लेते हो तो आपको फैक्ट्री रूप पे तो बहुत फ़ायदा होगा, या फिर फिस्ट फाइट में। फिर वुल्फ्रा है, बहुत लोग वुल्फ्रा को हल्के में लेते हैं, किसी काम का नहीं है, बस हेडसेल ठीक ठाक है। तो ध्यान से सुनिए, वुल्फ्रा बहुत सारे प्लेयर्स यूज़ करते हैं लेकिन वो कभी बताते नहीं हैं। वुल्फ्रा की जो एबिलिटी है, अगर आप उसे और अपग्रेड करें तो सच में आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके स्पेक्टेटर्स जितने ज़्यादा होंगे आपको उतना कम डैमेज पड़ेगा और आपका डैमेज ऊपर से और बढ़ेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप दूसरी एक्टिव स्किल ले नहीं सकते, इसलिए आपको आलोक के साथ वुल्फ्रा, हयातो की एबिलिटी बहुत बढ़िया है, आपको कोई सूट करेगा तो आपका आर्मर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली आलोक के साथ, अब आलोक के बिना की बात करते हैं। तो आलोक के बिना कैरेक्टर्स की बात की जाए तो पहले आता है मेन एक एक्टिव स्किल। A1-4 की एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो अगर आलोक या वुकोंग यूज़ करते हो उसमें डाल नहीं सकते क्योंकि एक्टिव है वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर लेंगे, जैसे अगर आप वुल्फ्रा लेंगे तो आपके लुक्स भी बढ़िया रहेंगे। आपको वुकोंग की वो ड्रेस वाली ग्लिच आजकल बहुत चली है, मैंने भी वुकोंग यूज़ करना शुरू किया, मैंने भी स्किल शॉट्स किए, पर जब फिर एक दो दिन हुए वैसे ही वुकोंग में मैं खेलता गया, लेकिन मेरे को पूरा नूब वाला ड्रेस ही था, तो फिर वुकोंग मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, आप आलोक नहीं है ना, तो आप या तो के का इस्तेमाल करें
या तो फिर वुल्फ्रा का इस्तेमाल करें, क्योंकि वुल्फ्रा किसी और में डालना बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा आप वुल्फ्रा कैरेक्टर ले, लुक्स भी अच्छे हैं और एबिलिटी भी काम आएगी। तो वुल्फ्रा कैरेक्टर लीजिए, उसमें मोको और कैली की स्किल्स तो पक्का डालनी है। और जो लास्ट किल रही, उसमें आप वुकोंग की स्किल डाल सकते हैं, के की स्किल डाल सकते हैं, A124 की स्किल बहुत काम की आती है, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि 2 बार इवेंट आ चुका है वन ऑफ 12 कैरेक्टर्स। तो अगर आपने एक्टिव कैरेक्टर लिया था तो उसको डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो हया तो डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया रहेगा। तो ये हुए मेरे बेस्ट मूवमेंट स्पीड के लिए, बात हुई ड्रेस आई मीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए, अब बात करते हैं गन कॉम्बिनेशन के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं गन कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो गाइस इतना सुन लीजिए, फ्री फायर में कोई भी गन घटिया नहीं है। एक सच्चा फ्री फायर प्रो प्लेयर जानता है कि कोई भी गन घटिया नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे चलाते हो। मोस्टली कहेंगे चलो मैं M180 लिया, अभी मैं जाऊंगा ऐसे ही मैं मार दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग में ऐसे ही जाओगे तो आपको उसके बारे में ठीक से जानना होगा। जैसे कि MP40 है, राइट? आप MP40 से ऐसे ही रस मार देते हो क्योंकि आपने पहले वाले गेम में M180 से रहा। तो आपकी आदत क्या बन जाती है कि आप सीधा बंदे बंदे के एनिमी के मुंह पे जाके उसे मारो। देखिए MP40 शॉर्ट रेंज के लिए नहीं है। अगर उस बंदे के पास M1014 या M180 हुई, आप गए काम से। इसलिए आपको जानना होगा, आप अगर एक गन पे फोकस करते हो या फिर आप एक ही गन पे फोकस करते हो तो ही अच्छा रहेगा। फिर जैसे MP40 और AK मेरी ई स्पोर्ट गन है। आई मीन मैं अभी ई स्पोर्ट में नहीं जाता, लेकिन मैं ई स्पोर्ट में जब भी जाऊंगा तब मैं हमेशा वही गन यूज करूंगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। मैं एक गन पे ही अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने अभी अभी हमारी नई आर्मी बनाई है, SIG आर्मी। उसमें है हमारे गोस्ट भाई, टाइगर भाई और लेजेंड भाई। तो लेजेंड भाई इतना ज़्यादा खेलते नहीं है, लेकिन वो जल्दी सीखते हैं। गोस्ट भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको उनका फेस भी बाद में ही कराऊंगा, कौन है वो बाद में ही बताऊंगा। गोस्ट भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो सीजन 2 से खेल रहे हैं। और हमारे टाइगर भाई भी बहुत पुराने प्लेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गन कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो अगर आप लॉन्ग रेंज में, अगर आप कुछ स्नाइपिंग ले रहे हो लॉन्ग रेंज में, राइट, तो स्नाइपर बेस्ट रहती है क्योंकि वो फ्री फायर में सबसे पावरफुल गन्स रहती है। लेकिन स्नाइपर में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। स्नाइपर में ऐसा नहीं है कि आपने स्कोप खोला और वैसे ही चलो मैं तो बहुत प्रो हूँ, एक बारह 150 का बंदा कौन। नहीं भाई, नहीं, ई स्पोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही आप बड़े प्लेयर बनोगे वैसे ही आप जानते जाओगे कि कैसे आप प्रो बनते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं MP40 और AK जो मैं यूज़ करता हूँ। AK-47 से मैं लॉन्ग रेंज में अच्छी फाइट ले लेता हूँ। मेरे पास फ्लेमिंग AK और ड्रैगन AK भी क्रेट्स पड़े हैं, मैं मेरी बर्थडे पे खोलूँगा या फिर मैं पहले ही फ़रवरी में खोल दूंगा, जैसे ही स्कूल खुलेगी उसी दिन खोल दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। M4A1 में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास स्किन नहीं है फिर भी M4A1 में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। MP40 में अगर आपके पास रेट ऑफ फायर वाली स्किन है तो भाई डार है, वो M180 की भी वाट लगा सकती है। अब नए अपडेट में M180 की रेंज कम हो रही है, तो MP40 अब मोर यूज होने जाएगी। फिर अगर आप M1040 लेते, वो बहुत बढ़िया गन है एक्चुअली। जैसे ही M180 का ज़माना है, क्योंकि वो रेंज हर एक रेंज में नहीं चलती, लॉन्ग रेंज में नहीं चलती, लेकिन मिड और शॉर्ट दोनों में चलती है। लेकिन अब गाइस ऐसा नहीं होने वाला है। इस अपडेट के बाद M1A1 भी एक शॉर्ट रेंज फाइट गन बन जाएगी। मिड रेंज में वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगी अगर आप उसे वन टैप नहीं मारते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं वन टैप पे भी वीडियो बनाऊँ तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तो ऐसे पहले हमें जानना पड़ता है कि कौन सी गन का रेट ऑफ फायर अच्छा है। जैसे MP40 का रेट ऑफ फायर अच्छा है UMP से, क्योंकि UMP इतनी फास्ट नहीं चलती है। फिर M1A1 का रेट ऑफ फायर वाली स्किन तो बहुत रेयर है। आई मीन जो टॉप अप नहीं करते तो उन्हें तो कभी कोई M1A1 की स्किन नहीं मिलने वाली है। अभी बाद में बात करें तो दूसरी गन्स, जैसे कि हमेशा याद रखिए
एक टिप है जो यूट्यूबर्स देते हैं लेकिन मेरे को इतनी ठीक नहीं लगती, वो है कि हमेशा अलग रेंज की गन्स यूज़ करें। मेरे को पहले बढ़िया लगा है, लेकिन जब मैंने SKS प्लस MP40 यूज़ की तो मेरे को पता चला ये तो बहुत बढ़िया टिप है, बहुत बढ़िया टिप है। फिर मैं और खेलता गया और खेलता गया, लेकिन जब मैंने AK और MP40 यूज़ की, जब मेरे को लगा AK तो मिड रेंज गन है, MP40 भी मिड रेंज है पर किसी काम की नहीं, लेकिन मेरे को गेम में वही मिली। लेकिन जब मैंने उससे खेला, मैंने 11 हेडशॉट्स मारे एक ही गेम में उन्हीं दोनों से। उसके बाद मैं समझा कि ये ज़रूरी नहीं है ज़्यादा कि आप कौन सी रेंज के साथ लेते हो। और हाँ, जो सही रेंज है ना, जैसे कि AK में लॉन्ग रेंज फाइट भी आप ले सकते हो, आप M8 2B को भी घिरा सकते हो AK से, स्कार से, M4A1 से। जैसे स्कार बहुत अच्छी है लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन स्कार का डैमेज भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका रेट ऑफ फायर अच्छा है। AK में डैमेज बढ़िया है, रेट ऑफ फायर भी बढ़िया है, नहीं रेट ऑफ फायर अच्छा नहीं है, रेट ऑफ फायर अच्छा नहीं है वो है। तो अब हमने गन कॉम्बिनेशंस की भी बात कर ली है, जैसे कि MP40 के साथ आप कौन सी ले सकते हो। जैसे SKS बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, MP40 और SKS अगर आप खेलते हो। और फिर अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं जानता हूँ इस वीडियो पे बस कुछ 4-5 लोग देख रहे होंगे, पर प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और आप कुछ और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जिन्हें प्रो बनना है, उनके गन कॉम्बिनेशंस बनाने, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाने। जो अगली वीडियो आएगी, अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं कि कौन से तरीके से आप एक ऑफिशियल ई स्पोर्ट टीम बन सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक जो आपको पसंद हो, जैसे कि मूवमेंट स्पीड और कैसे बढ़ाए कैरेक्टर के अलावा, या फिर वन टैप कैसे मारते हैं, या फिर MP40 को कैसे यूज़ करना है, या फिर कोई सीक्रेट प्लेसेस जाननी है, तो आपको बस इस सब को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा, और लाइक करना तो भूलना भी मत। अगर इस वीडियो पे 2 लाइक आते हैं तो मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अगर इस वीडियो पे 2 लाइक नहीं आते हैं फिर भी मैं अगली वीडियो आपके टॉपिक के मुताबिक नहीं करूंगा। जल्दी से जल्दी कमेंट में टॉपिक इंसर्ट कीजिए ताकि मैं उस टॉपिक को ले सकूं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नहीं, जैस अब हमारा टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने के लिए, अब अगली सुपर वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, सो स्टे ट्यून्ड।